जो कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, आप इन संस्थाओं को खत्म कर, अगर जन समर्थन मांग ले कि देखो तुम्हारे दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, यकीन के साथ कहता हूं सीबीआई के लोग घर से नहीं, ईडी के लोग घर से नहीं, आईटी के लोग घर से नहीं निकल पाए, ये आईना दिखा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से आरजेडी के नेताओं के घर पर छापेमारी की जा रही है, सीबीआई लगातार अब तक कई नेताओं के घर पर जो है वो रेड करने के लिए पहुंच चुकी है। इसे लेकर आज आरजेडी से राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मनोज झा का साफ तौर से कहना है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मनोज झा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जन समर्थन के लिए उतर आए और जनता का सहयोग तेजस्वी यादव को मिला तो बीजेपी के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, किस तरह से वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के। यहां छापे पड़े, हमने मीडिया में आपके माध्यम से कहा, आपके समक्ष कल भी हमारे नेता तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे, लेकिन साक्ष्य और सबूत रखने के बावजूद ये चुप्पी क्या दर्शाती है? अभी तक हमने जनता से समर्थन नहीं मांगा है। इन संस्थाओं के चरित्र हनन का कि जो कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, आपने इन संस्थाओं को खत्म कर दिया। अगर जन समर्थन मांग ले कि देखो तुम्हारे दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, यकीन के साथ कहता हूं सीबीआई के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, ईडी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, आईटी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये आईना दिखा रहे हैं। आईना देखिए, बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है। अभी बात हो रही थी हमें अपने दोनों प्रवक्ताओं से, गांव में लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है लोग, अभी सरकार बना, जिस दिन विश्वास मत है छापा पड़वा रहा है, क्या मिला छापे में, तो हवा में बात कर रहे हैं। हमारे एक नेता के यहाँ काम मशीन लेके गए, अरे भैया एकाध दो लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है, यहां वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये गुंडा ही है क्या, गुंडा राज है कि गरीब गुरबों को धमकाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी भी वक्त है, आप अभी कर्मचारी हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, इशारा देने वाले गायब हो जाएंगे, इशारा देने वाले बदल जाएंगे, तब आपका क्या होगा? आप तो नौकरी कर रहे हैं, हमारी तरह के आपकी तरह के इंसान हैं, सेल डी डाई आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो किराए के मकान में नहीं रहते हैं, जिनका पुश्तैनी मकान है, कागज होगा